Assalamualaikum guys, welcome back to the vlog. जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही तूफ़ानी किस्म की बारिश चल रही है और हवा इतनी तेज़ है कि ये दरवाज़ा मेरे हाथ से छूट रहा है और वो देखें चीखें उड़ उड़ के बज रही हैं और एक फ्लैक्स जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी थी वो उड़ के गिरी है। हमारी एक कनाली भी जो हमने फ्लैक्स के ऊपर रखी थी वो भी उड़ के गिरी है। ईंटें भी सारी छत पर गिरी हैं। फुल जो है ना मैं इस टाइम गीला हो गया हूँ और अपनी तरफ से तो मैंने फ्लैक्सें और चिखें नीचे कर दी हैं। देखते हैं नुकसान से बचत होती है, कितनी बचत होती है कितनी नहीं होती। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे पास एक और मटेर का चिक जो है ना वो निकल आया और सैडली जो है एक न्यूज़ ये भी है कि एक जो है ना वो बेचारा पिपिंग करता करता ही जो है ना अल्लाह को प्यारा हो गया और एक अंडा जो है ना हमारा लीक कर गया। तो इन दोनों अंडों को जो है ना वो हम फेंक देंगे और इसको थोड़ी देर इनक्यूबेटर में रखेंगे हम। ये जब थोड़ा सा चलना फिरना सही स्टार्ट कर देगा तो 24 घंटों बाद जो है ना इसको हम मूव कर देंगे अपने ब्रूडर के अंदर। ये देखें गाइस ब्रूडर में मूव कर दिया था मैंने दूसरे बटेर के बेबी को भी और देख सकते हैं आप हमारे दोनों बेंटम के चूज़े और बटेर के चूज़े जो है ना वो सही सलामत है फ़िलहाल तो। इनकी एज में डिफरेंस है इसलिए मैं थोड़ा सा घबराता रहता हूँ क्योंकि ये बड़े वाला बैंटम का जो चूज़ा जो सबसे आगे खड़ा हुआ ना ये वाला ये बाकियों को जो है ना कभी कभी मैंने देखा कि ठूंगे मारता तो मैं डरता भी हूँ कि जो है ना ये कहीं उनको ज़ख्मी जुख्मी ना कर दे, लेकिन फ़िलहाल तक जो है ना ये ठीक चल रहे हैं। ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है ना कल शाम की तूफ़ानी बारिश ने क्या क्या नुकसान किए। पहला नुकसान जो हमारा हुआ है वो ये कि एक फ्लैक्स हमारी यहाँ से फट गई पूरी और दूसरी फ्लैक्स यहाँ से फट गई है। तीसरा हमारी जो है एक कनाली चूरों चूर हो गई है। कोई ख़ास मेजर नुकसान अभी तो विजुअली नज़र नहीं आ रहा। चिखें और फ्लैक्सें उठाते हैं अपने परिंदों की और फिर जो है ना इनको दाना वगैरह भी डालना, तो देखते हैं कोई नुकसान हुआ है कोई बर्ड वगैरह जो है ठंड से या मरा तो नहीं है। तो गाइस मोर हमारे ठीक हैं, चूजे भी हमारे ठीक हैं, मुर्गियां भी माशाल्लाह से ठीक ही लग रही हैं। वो बड़े बड़े केज में मैंने अंदर जाकर नहीं देखा, बाकी जो फ्रंट से दिख रही हैं वो सारी ठीक ही लग रही हैं, लेकिन जिन पिजन्स को जो है वो मैंने दवाई दी थी 5 पिजन्स को उनमें से एक जिसकी इम्यूनिटी ठीक थी और जो मुझे पसंद भी है ये हमारा येलो कलर में जो शराजी निकला ये बिल्कुल ठीक है और बाकी के 4 जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ये देखें 1, 2 ये 3 इन बेचारों की हालत पहले ही बहुत बुरी थी जिसकी वजह से मैंने इनको तंग आके जो है ना फाइनली मेडिसिन दे ही दी थी कि जो है ना लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। सेम दवाई मैंने इस जो है पिजन को भी दी है लेकिन ये देखें माशाल्लाह से ये एक्टिव चल फिर रहा है। ये देखें दौड़ रहा है भाग रहा है ये वाला बेबी। इनकी इम्यूनिटी कम थी और बस इतनी ही लिखी हुई थी, यही रीज़न थी कि मैं जो है ना इनको इतने दिन से दवाई नहीं दे रहा था ठीक होने के लिए और इसको एक दवाई का डोज दिया। आगे मैं अब सोच रहा हूँ और दूँ या ना दूँ। फ़िलहाल तो जो इसके मुंह की हालत है ना वो काफ़ी बेहतर हो गई हुई है, बस इसके सर पे जो मार मार के ज़ख्म किया हुआ है वो ज़्यादा बुरा है, बाकी जो इसको मौके से निकले हुए थे वो बेहतर हो गए हैं, लेकिन ये 4 पिजन जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं हमारे। खैर ये सब तो फिर अब लाइफ का पार्ट ही है तो क्या ही किया जा सकता।
पानी मैंने अपने पिजन्स के लिए रख दिया है। दाना इनका अभी इतना है कि ये शाम तक गुजारा कर लें, तो इनको शाम को दाना डालेंगे हम। अभी हम अपने चूज़ों को और मोरों को दाना डालते हैं। वो देखें, हमारा मोर लेट के धूप सेक रहा है कितने मज़े से। मोर साहिब, कहते हैं आप, आपको बैड न्यूज़ मिली है? दांत वाले केज में आपके हमसाए 4 फोत हो गए हैं, आपको पता ही नहीं लगा? बहुत दुखी कर दिया यार, 4 ही मर गए, 5 में से 4 मर गए, एक बच गया। दुखी कर दिया इन्होंने तो मुझे सुबह सुबह। कल फुल भीग गया था मैं, इनको जो है ना इनकी चीखें फ्लैग से नीचे करते हुए, मैंने कहा था खुद अपना जो मर्जी हो जाए, बारिश में भीगूं, फुल आंधी तूफान चल रहा है, लेकिन जो है ना इनका मामला सेट करके जाना, लेकिन वो फिर नहीं बचे। इसी वजह से गाइस मैं आपको मेडिसिन का नाम भी नहीं दिखा रहा था, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि सही इन्फॉर्मेशन जो है ना इंटरनेट पे आपको मिले बहुत मुश्किल ही होता है। हर कोई अपने अपने एक्सपेरिमेंट करके बस बता देता है कि ये कर लो वो कर लो, कभी वो एक्सपेरिमेंट चल जाता है, कभी नहीं चलता, कोई प्रॉपर सलूशन जो है ना वो आपको खुद एक्सपीरियंस के साथ ही पता लगता है कि कैसे डील करना चाहिए। खैर, कभी भी जो है ना मेरे पिजन्स के साथ ऐसा मसला नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम ही हुआ था, और मैंने पिजन्स ज़िंदगी में रखे भी फर्स्ट टाइम है, तो मुझे इनकी बीमारियों के साथ कैसे डील करना है, किस अमाउंट में इनको मेडिसिन देनी है, कौन सी देनी है, अभी नहीं पता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस करके बंदे को चीज़ें आ ही जाती हैं। और ये देखें माशाल्लाह से हमारे चूज़े कैसे लाइन में सारे लगे हुए हैं दाना खाने के लिए, कितने प्यारे लग रहे हैं सारे। हाँ भाई, दोस्त चले गए तुम्हारे सारे हैं छोड़ के तुम्हें? तुम ठीक हो? दाना दुना खाओ जाके, पानी पुनी पियो। चलो शाबाश। बटेरों को अपने दाना डालने के लिए हम आ गए। वो देखे हमारे 4 बटेर, उस कोने में एक अंडा भी उठाया था हमने कल शाम को, देखें दौड़े दौड़े आए हैं दाने की बात उनके। आजो खा लो दाना, आजो। ओ हाँ, तुम्हें तो मैं बताना ही भूल गया यार, तुम दोनों जो हो तुम मम्मी पापा बन गए हो, मुबारक हो तुम्हें, दो दो बच्चे निकले हैं तुम्हारे माशाल्लाह से। तुम दोनों का क्या सीन है भाई वाइट वाले? अभी तक कोई भी हमारे पास वाइट बटेर नहीं निकला, तुम लोग अंडे नहीं दे रहे, ये तुम्हारे अंडे हैच नहीं हो रहे, समझ नहीं लग रही कुछ। अभी तक कोई भी हमारे पास वाइट बेबी नहीं आया बटेर का, हो सकता है आगे चल के आ जाए, क्योंकि काफ़ी सारे अंडे पड़े हुए अभी बी इनक्यूबेटर में। ये देखो, ये कौन खाएगा इतना दाना जो तुमने बीच में छोड़ा हुआ है? थोड़ा सा दाना मिलेगा तुम्हें अब। हाँ जी, क्या डर है मेरे से तुम्हें है? बताओ क्या डर है, और कितनी हाइट निकालोगे तुम हैं, बता दो मुझे यार। थोड़ा सा तो लंबा होना चाहिए और तुम्हें, अगर तुम सिंधी इलाके हो जैसा कि मुझे बताया गया था, फिर तो तुम्हारी हाइट और निकलनी चाहिए, अभी छोटे हो तुम। अगर तुम किसी और ब्रीड से हो फिर तो इतनी हाइट ठीक है तुम्हारी। ओ देखे, बंटी और बबली ने अंडा दिया हुआ, चले कोई तो गुड न्यूज मिली हमें आज की। तुम मारने आ जाओ मुझे, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, बदतमीजी नहीं करते मेरे साथ।
सारा गंद जम गया हुआ है इसके अंदर। बंटी बबली इंसान बन जा, बर्तन साफ कर लेने दे, तुम्हारे ही काम कर रहा हूँ, तुम भी मुझे पढ़ते रहते हैं। चलो ये लो, जाना भी बड़े शौक से। बंटी इंसान बनो। हाँ जी, क्या सीन है, तुमने भी इधर जमाया हुआ सब कुछ। गाइस हमारी साइड से फ्लक्स फटी है ना, तो इसमें कोई चम चम पड़ी है इनके 2 केजीज में। चलो ये दाना है काफी तुम्हारा आज का, गुजारा करो इसके साथ ही। क्या मसला चल रहा है तुम लोगों का, और बदतमीज कैसे हो? अभी देखना मैं इनका दाना डालूंगा, साथ ही में उल्टा देना। ये देखना दाना डाल दिया मैंने, ये उल्टा के दाना खाते हैं। ये देखें, एक ठूंगा मार के उसने आगे को घसीट लिया, 2-4 ठूंगे मार के ना इसने पलटा भी देना अभी थोड़ी देर तक। तुम लोगों के लिए भी दाना ले आता हूँ, ले आता हूँ, स्ट्रेस ना लो। तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि हमारा ये एक जो बच गया पिजन ये तो बचा रहे, और आने वाले जो बच्चे हैं उनको ये मसला ना हो, क्योंकि अब साफ़ सफाई तो मैंने काफ़ी हद तक कर दी है पूरे केज की, तो इस मसले से बचे रहें। और ये ब्लैक जो हमारे लगे हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे बच्चे पालने की, ये बच्चे नहीं पाल रहे सही तरीके से। इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।